My friends, may B.Sc. first year का differential equation का part number three for all India के लिए मैं differential equation का study करवा रहा हूँ। आज का टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में बोलते यथातत अवकलन समीकरण, यथातत अवकलन समीकरण। ध्यान देंगे, द इक्वेशन एम डीएक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज सेट टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। हिंदी में कहें तो समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो को यथा तथ समीकरण कहते हैं, जब m का y के सापेक्ष में आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन और n का x में पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों बराबर हो जाए, डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x बराबर हो जाए, तब इसे हम यथातथ अर्थात एग्जैक्ट समीकरण कहते हैं। इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी। पापा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई प्लस सी, इन दोनों में यूनियन लेना है, मतलब जो इस सॉल्यूशन का संग है, मतलब कोई भी चीज रिपीट ना हो, तो यूनियन लेना है दोनों का, हमें इंटीग्रेशन का यूनियन लेना है अर्थात संग लेना है अर्थात सम्मिलन लेना है, और कोई भी एक चीज दो बार आती है तो उसे दो बार नहीं लेना है। इसका अर्थ ये हुआ यूनियन ऑफ बोथ इंटरसेक्शन, दोनों का सॉल्यूशन। आइए अब हम एक प्रश्न करके हल बताते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्वेश्चन है आप, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, सॉल्व द इक्वेशन वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ब्रैकेट वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो समीकरण है ये हमारा, इसको हल करना है। सॉल्यूशन प्रारंभ करें तो गिवन इक्वेशन में वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ब्रैकेट में वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर डी वाई, इक्वेशन नंबर ए। तो आप देखिए जो डी एक्स है, ये देखिए डी एक्स के साथ जो रहता है कोफिशियंट वो एम रहता है, तो डी एक्स का कोफिशियंट कौन हुआ बताइए, वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर, तो डेट इज सेट टू बी एम। देखिए मैंने एम द्वारा व्यक्त कर रहा, प्लस ये प्लस प्लस इंटीग्रे, अब यहां पर देखिए एन डी वाई एन डी वाई एन डी वाई, तो हम एन डी वाई देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं एन डी वाई, ऊपर देखिए आप ये एन डी वाई एन डी वाई। तो अब यहां पर हम आप देख रहे हैं वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर डी वाई, यानी डी वाई के साथ जो कोफिशियंट वह एन कहलाता है, इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर ए। तो हियर एम क्या है, आप देख रहे हैं एम आपको दिखाई दिया, वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर तथा एन, व्हाट इज एन, वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर। अब हमें देखिए ये चीज निकालना है, क्या चीज निकालना है, डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स। देखिए आप इधर डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स, फिर ले जाता हूं मैं आपको, नाउ डेल एम बाय डेल वाई, वाई के सापेक्ष में तो वन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ जीरो,
फोर एक्स कॉन्स्टेंट वाई का डिफरेंशियल वन हुआ, वाई स्क्वायर का टू वाई तो फोर टू और टू फोर वाई हो गया, अन डेल एम बाय डेल वाई इजिकल टू फोर एक्स प्लस फोर वाई प्राप्त हो गया एट। तो ये फोर कॉमन, तो एक्स प्लस वाई इक्वेशन नंबर वन आपने देखी, ये इक्वेशन नंबर वन आपने देखा, ये किसका मान आया डेल एम बाय डेल वाई का। आइए नाउ डेल एन बाय डेल एक्स, तो डेल बाय डेल एक्स करना एन को, उन्हें देखिए आप एन ए वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर, वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन जीरो, फोर वाई कॉन्स्टेंट एक्स का वन हो गया और टू एक्स स्क्वायर का हो गया फोर एक्स, तो फोर कॉमन एक्स प्लस वाई, तो डेल एन प्लस डेल एक्स, डेल एन प्लस डेल एक्स क्या आया फोर एक्स प्लस वाई, और आपका डेल एम बाय डेल वाई भी क्या आया था फोर टाइम्स एक्स प्लस वाई, तो इक्वेशन वन एंड टू आर इक्वल, देखिए दोनों में है फोर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और यहाँ भी फोर एक्स प्लस वाई है, तो बाय इक्वेशन वन एंड टू वी गेट डेल एम बाय डेल वाई इजिकल टू डेल एन बाय डेल एक्स। समीकरण नंबर एक और दो से हम स्पष्ट देख रहे हैं कि डेल एम बाय डेल वाई बराबर डेल एन बाय डेल एक्स, देयर फोर हैंस इक्वेशन ए इज सेट टू बी एग्जैक्ट इक्वेशन, अतः समीकरण नंबर ए यथातथ समीकरण हुई है, तो इक्वेशन वन एग्जैक्ट हुई है ये हमने देखा। आइए अब हम पढ़ते हैं पुनः पेज नंबर टू, इसका इंटीग्रेशन करना एम डी एक्स का, आपको मालूम है एम क्या था, इंटीग्रेशन एम यही था कि आपका वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये एम, तो इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स प्लस फोर वाई इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी एक्स। अब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, फोर वाई कॉन्स्टेंट, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस टू वाई स्क्वायर का कॉन्स्टेंट और डी एक्स का एक्स हुआ, तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स क्या प्राप्त हुआ, आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई, ये दो से ये दो कैंसल और टू एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर थ्री। अब नाउ इंटीग्रेशन एन डी वाई, एन डी वाई करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन एन डी वाई, इंटीग्रेशन का चिन्ह वन प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर डी वाई, तो इंटीग्रेशन वन डी वाई, इंटीग्रेशन फोर एक्स वाई डी वाई, टू एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी वाई, तो डेट इज इजिकल टू वाई, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, फोर एक्स कॉन्स्टेंट, वाई का वाई स्क्वायर बाय टू, और ये हुआ आपका टू एक्स स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, तो इंटीग्रेशन आपका हुआ एन डी वाई इजिकल टू वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर। अब इन दोनों तीनों में क्या कॉमन है, देखिए ये चीज कॉमन है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चीज कॉमन है, ये कॉमन गोले के द्वारा, ये चीज भी कॉमन है, तो दोनों का संग क्या हो जाएगा, एक तो ये दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये तो ये इक्वेशन थ्री एंड फोर, द कंबाइंड सॉल्यूशन ऑफ थ्री एंड फोर वी गेट, यानी यूनियन लेना है तो आप देख रहे हैं सॉरी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, हियर एक्स हियर वाई, इन दोनों में कॉमन है इसलिए टू एक्स स्क्वायर वाई, और ये भी कॉमन है टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, इट इज सेट टू बी आंसर, यह हमारे प्रश्न का हल हुआ। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप अपने मित्रों सहित सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।